ये देखिए गाइस, हम लोग रूम पे आए हैं और इनको पूल में जाना है, तो ये पूल में जा रहे हैं। ज़्यादा स्विमिंग किया और अभी स्विमिंग करके रुके हुए हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि कहीं पे क्रूज पार्टी या फिर बागा बीच पे कोई पार्टी होती है वहाँ पे जाएंगे। लेट्स सी आगे का क्या प्लान है। जा रहे हैं बागा बीच पे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच पे डिनर करने के लिए। बागा बीच एंड इनको अचानक ऐसा हुआ है कि हमें पूल खेलना है, सब ये लोग पूल खेलने आए हैं और उसके बाद हम जाएंगे बागा बीच। बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बस स्टॉप में क्यों रुके हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक्चुअली आफ्टर आवर मैरिज फर्स्ट टाइम हम लोग बस स्टॉप में रुके हैं। वो क्यों रुके हैं, क्योंकि इन दोनों को जो ये दोनों हैं तुषार भाई एंड व्रज राव, इन दोनों को अपनी बैचलर्स लाइफ एंजॉय करनी थी। सो दे वांट कि हम बस स्टॉप पर रुके और हम चारों लोग अपनी बैचलर्स लाइफ एंजॉय करें। सो हम लोग बस स्टॉप में रुके हैं आज। हम लोग अभी निकल रहे हैं बागा बीच पे, और बागा बीच पे मतलब ऐसा है कि कैंडल लाइट डिनर जैसा अरेंजमेंट है हमारा, और आप देख सकते हो बस स्टॉप पे मतलब हमने फुल ऑन मजे किए हैं। We'll be right back.
के साथ पहुंचा है बागा बीच के मेन मार्केट में। क्या माहौल है, मतलब लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं। पूरा क्राउड देखिए आप, क्या क्राउड है यहाँ पे, मतलब इतना था कि टू व्हीलर से भी यहाँ आना इम्पॉसिबल था। यहाँ पे देखिए फोर व्हीलर आ रही है, इतना रश, इतना धीरे धीरे आ रही है यहाँ पे फोर व्हीलर्स वगैरह, और टू व्हीलर से भी यहाँ आना इम्पॉसिबल था। मतलब ये कब से रश लगा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे है, कम से कम 2 किलोमीटर पहले भी यही हाल है। तो जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे 50 रुपीज़ पर टू व्हीलर पार्किंग है यहाँ पे, तो हमने वहीं पे पार्क किया है। पार्किंग का और कोई ऑप्शन है नहीं आगे। बागा बीच पे, और आप देखिए क्या मस्त माहौल है यहाँ का। वाइब देखिए, लाइक इतना लाइवली, इतना मस्त एनवायरनमेंट है ना, दिल खुश हो गया। लोग बहुत कश्मकश के बाद ये ओसियनिक पे रुके हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही है, कम से कम 1000 होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रुके हैं क्योंकि थोड़ा सा रश यहाँ पे कम मिला और आराम से बैठ के खाना खा पाए, इसलिए यहाँ पे रुके हैं। कैंडल लाइट डिनर का थोड़ा मज़ा यहाँ पे लिया जाए। तो गाइज हमने ये ख़रीदा अभी 50 में, पूरा ये रिंग था अभी के लिए ये ख़रीदा है, और पता नहीं ये कब तक चलेगा। लोगों का ऐसा रिव्यू है कि ये ख़राब हो जाता है 1 या 2 नाइट में, लेकिन लेट्स सी ये कब तक चलता है। अभी तो ये पहन के हम लोग घूमेंगे, मज़े मारेंगे, टेंटेंटेंटें, ये 4-5 घंटे तक चलता है ऐसा कुछ है। अब देखते हैं कितने घंटे तक चलता है ये। अगर नीचे भी जाता है तो लाइट, अंधेरे में भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई लाइट हो रही है। वीडियो का एंड करते हुए हम लोग बागा बीच को भी अब बाय बाय बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैंडल लाइट डिनर वगैरह चल रहा है, हमने भी उसको एंजॉय किया, और अभी निकल रहे हैं हम लोग अपने होटल के लिए। रास्ते में चल रहे थे, और रास्ते में चलते चलते हम लोग केक खाने रुक गए हैं। ये लोग वेज मोमोज खाने रुक गए हैं, देख सकते हो। ये केक की कोई शॉप है जहाँ पे स्टे वगैरह है, कॉस्टल स्टेज वगैरह, उसके जस्ट नीचे। तो ये आ चुका है हमारा ब्राउनी। मित्र कौन सा वाला ब्राउनी है? डार्क चॉकलेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी पहुँच गए हम लोग फिर से गो स्टॉप पे। वीडियो का एंड हम पहले करने वाले थे, लेकिन कुछ प्लानिंग ऐसे बन गए कि सोने से पहले हम लोग थोड़ा घूम के आए। ठीक है, ऐसे मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।